हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड एग्जाम की प्रिपरेशंस पे आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त बम्पर नंबर ऑफ सीट की वैकेंसी की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है जन स्वास्थ्य सहायता अभियान, यानी कि हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से। बम्पर नंबर की सीट इसलिए बताई हूँ क्योंकि टोटल पोस्ट 1,12,000 है, ब्लॉक सुपरवाइजर की पोस्ट है। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इलिजिबल रहने वाले हैं। पोस्ट नेम देख लीजिए, ब्लॉक सुपरवाइजर कम पंचायत एग्जीक्यूटिव, प्रखंड पर्यवेक्षक सह पंचायत कार्यपालक के पद पे वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को लगता है कि ये वैकेंसी फेक है, तो इसके लिए आपको एक सॉल्यूशन देती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे इसको अप्लाई करने का लिंक साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि अप्लाई की डेट क्या होगी। ये ऑलरेडी ऑनलाइन हो रहा है 6 अप्रैल से, लास्ट डेट रहने वाला है 4 जून। फॉर्म की जो फी है ना, सभी कैंडिडेट के लिए 260 रुपीज रहेगा, यानी 260 रुपया फॉर्म चार्ज है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 30/8/2024 यानी कि 30 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग 18 to 40 years, मतलब 18 से 40 वर्ष के जो भी कैंडिडेट होंगे सभी इलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको 12th पास, डजंट मैटर किस स्ट्रीम से आपने किया है, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, तीनों ही स्ट्रीम के कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। कोई भी परसेंटेज हो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस की अगर बात की जाए, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपका 2 स्टेज है। पहला स्टेज ये है कि आपका जो 12th का मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका मतलब कॉल लेटर सेंड किया जाएगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। चलिए आगे बाकी की डिटेल्स भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला जो मेरिट लिस्ट रिलीज होगा ना, जैसे आपको पता है कि 4 जून तक ऑनलाइन होगा, तो पहला लिस्ट आपका रिलीज किया जाएगा 7 जून को, फिर दूसरा फाइनल लिस्ट आएगा आपको 10 जून को। तो ये डेट एकदम मेमोराइज कर लीजिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ मतलब जॉब का लोकेशन होगा, किस किस स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। देखिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए आप जहाँ पे अप्लाई करोगे, इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि अगर आप चाहते हैं अपने घर के पास में जॉब करना, तो आप अपने ब्लॉक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के लिए वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ के लिए है, दिल्ली के लिए है, गुजरात के लिए है, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम के लिए है, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और उत्तराखंड, मतलब इतने सारे स्टेट के लिए ये वैकेंसी निकल के आई है। इसमें सैलरी आपको बहुत अच्छा दिया जाता है। फ्रॉम स्टार्टिंग यू विल गेट 14,500 रुपीज़, बाद में सैलरी बढ़ा के 21,500 रुपया कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका ओवरऑल ये डिटेल मैंने बता दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूं कि ये एनजीओ के तरह एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको समझिए कि आप प्राइवेट जॉब या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी समझ सकते हैं। बस इसमें जॉब करने का ये फायदा है फ्रेंड्स कि देखिए, जैसे कि आप आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि सोचते हैं कि अर्न करते करते आगे तैयारी करें, तो ये वैकेंसी उनके लिए रहने वाले हैं। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये नहीं बता रही हूँ, ये कोई सरकारी जॉब नहीं है। आई होप आप इसकी सारी डिटेल समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलूंगी फिर से किसी जॉब अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।